में क्या क्या बोला? कबीर, तो क्या उसे मारने से सब सही हो जाएगा? कबीर, तुम अपना गुस्सा कंट्रोल क्यों नहीं करते हो? रणवीर को देखो, वो कितनी आराम से हर चीज को हैंडल करता है। मैं रणवीर नहीं हूं। तो बनना पड़ेगा तुम्हें रणवीर जैसा। अगर लाइफ में जीतने की आदत डालनी है ना कबीर, तो तुम्हें रणवीर जैसा बनना पड़ेगा। तुम्हें भी लगने लगा है कि मैं एक लूजर हूं? कबीर, मेरा वो मतलब नहीं था। पर तुम्हारा मतलब तो यही था ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा बड़ा भाई मरने वाला है और मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें इंसल्ट भरे मैसेजेस आते और मैं कुछ नहीं कर सकता। बोर्ड रूम में तुम्हारे बारे में कुछ भी कहते और मैं कुछ नहीं कर सकता। यू नो व्हाट आंचल, आई एम अ लूजर। आंचल, आई एम अ लूजर। यू नो व्हाट, आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने रणवीर के साथ शादी की है। यार, तुमने एक लूजर के साथ किया, लेकिन शादी एक विनर के साथ की। मानना पड़ेगा तुम्हारी इस इंटेलिजेंस को, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे इस मास्टरमाइंड दिमाग को। पहले कौन जाएगा, तू या तेरी बहन? अरे मैं बोल रहा हूं, मैं पैसे वापस दे दूंगा तुम्हें। तुम मेरी बात सुनो, जा प्लीज। आज तो तेरी उम्र लंबी हो गई बेटा, तेरे सारे पैसे माफ हो गए। 1 करोड़ का हमें भी फायदा हो गया। किसने दिए पैसे? अगली बार आंचल के बारे में कोई भी गलत बात कहने से पहले सोचना, और सोचने के बाद अपना मुंह बंद करना, समझे? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। और गलती की सजा ना मिले, ऐसे रणवीर रायचंद के यहां होता ही नहीं बेटा। तुमने मेरी गेम में टांग डालकर बहुत बड़ी गलती की। जाहिर सी बात है कि अगर गेम मेरी हो तो जीत भी मेरी होगी, और जीतने का सिर्फ एक ही रूल है, सामने वाले से हमेशा एक कदम आगे रहो। आंचल, गुस्से में कही हुई बात की इतनी बड़ी सजा, तुम जानते हो ना, तुम्हारा बात ना करना मेरे लिए कितना पेनफुल है। प्लीज आंचल, समझ करो। कबीर, जो किया है ना वो तुमने किया है, मैंने नहीं। तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख सकते, इतनी बड़ी कंपनी कैसे चलाओगे? क्या करूं आंचल, मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो सोचने का मौका भी नहीं मिलता है। और उस वक्त जब कांड ने कहा तो गुस्सा निकल गया और मैंने डील कैंसिल हो गई। डोंट वरी, मैंने डील फिक्स कर दी। पर कैसे? इस दुनिया में इज्जत की भी कोई कीमत होती है। 200 करोड़ में उस क्लाइंट की इज्जत उसे वापस मिली। जब ऐसा बड़ा भाई हो तो छोटे भाई को फिक्र करने की क्या जरूरत है। थैंक यू बड़े। हाँ कबीर, लेकिन आगे तुम्हें ही संभालना होगा। एनीवे,
आज रात पार्टी पर तुम दोनों इस कंपनी को रिप्रेजेंट करोगे। एंड प्लीज मेक श्योर देयर नो मेस अप्स। वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आंचल मुझसे बात नहीं कर रही है। देख बड़े, मैं रेडी हूं और मैं इस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला हूं। मैं उस पार्टी में टाइम पर पहुंचूंगा। ये काले मोतियों की ताकत हमारे रिश्ते से है रणवीर, दोस्ती का रिश्ता। और दोस्ती छुपाई नहीं जाती, गलतियां छुपाई जाती हैं। इसलिए रिश्ता गलत हो ही नहीं सकता। अच्छा, तुमने ठीक कहा आंचल, ये रिश्ता गलत नहीं है। तुम्हारी गलती आज तुम्हें समझ आई जाएगी। कबीर राइचंद, नैना कहाँ है? मुझे क्या पता? एक झूठ मत बोल, मुझे अच्छे से मालूम है तूने उसे कहीं छुपाया है। मुझे नैना में कोई इंटरेस्ट नहीं। देख, बता दे मेरी बहन कहाँ है, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ेगा नहीं? पकड़ के तो देखा। कभी 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 स्टॉप इट, स्टॉप इट, प्लीज कीप काम। रोहन, तुम प्लीज जाओ यहां से। चल कबीर, हटिए बाजू। कबीर राइचंद, यू आर अंडर अरेस्ट। सॉरी इंस्पेक्टर, एक पर्सनल मैटर थी। इंस्पेक्टर साहब, इससे पूछे मेरी बहन कहाँ है। मेरी बहन सुबह से गायब है और मुझे अच्छे से मालूम है कि इसने कुछ ना कुछ किया है। डॉक्टर, क्या हुआ? इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, तो शुक्र है कि ब्लेड ज्यादा अंदर नहीं गया, नहीं तो इनका बचना मुश्किल था। आत्महत्या? नैना क्यों? ये प्रेग्नेंट है। नैना कौन है वो? बताओ कौन है वो? कौन है वो? कबीर, for more updates subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.